महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या सूचनेनुसार अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधीजी, राहुल गांधी, प्रांताध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडट्टीवार, जिल्हाध्यक्ष आमदार सुभाष धोटे, महिला जिल्हाध्यक्ष नम्रता ठेमसकर, तालुकाध्यक्ष श्यामकांत थेरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व घुग्गुस शहर काँग्रेस अध्यक्ष राजू रेड्डी यांच्या नेतृत्वात आज रविवारी जनसंपर्क कार्यालयातून सकाळी 6 वाजता महापुरुषांच्या प्रतिमेस माल्यार्पण करून जनसंवाद पदयात्रेला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करून अभिवादन करण्यात आले. केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील महायुती सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला. तसेच गांधी चौकात जालना येथील मराठा आरक्षणकरिता शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करीत असलेल्या समाज बांधवांवर करण्यात आलेल्या लाठी हल्ल्याचा जाहीर निषेध करण्यात आला. या जनसंवाद यात्रेत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह नागरिकही उपस्थित होते. जरूर निश्चित करें कि 2014 में एक काला सरकार आई है. जो काला सरकार आधी रात में 12 बजे बाहर निकल के बोलता है, आज रात से 500,000 के नोट बंद. इससे क्या परिणाम होता है उसको कोई लेना देना नहीं है. कारण उसको परिणाम नहीं है, सिर्फ चाय बेचता. जिस टाइम पर ट्रेन नहीं थी, रेलवे स्टेशन नहीं थी, उस टाइम पर चाय बेच के लोगों को बेवकूफ बना के सरकार में आया है. अभी कुछ दिन पहले मणिपुर में जिस तरीके की घटना घटा, आदिवासी महिला को नग्न व्यवस्था में रोड मार्च किया गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता. देश की पूरी अर्थव्यवस्था पूंजी कुटीर पूंजीपति को आपको नहीं दिया, देश के बाहर कैसे जा रहे मांग लिया. राहुल गांधी जी पूछ रहे अभी ये पैसा किसका है और कहाँ गया, उसका जवाब देने को रेडी नहीं है. भाइयों बहनों, सभी को जाना जरूरी है कि भारत को अगर बचाना है तो राहुल जी का साथ देना बहुत जरूरी है. आज पूरा उस व्यक्ति ने अपना जान का बलिदान करते हुए पूरा देश में 3,500 किलोमीटर वो घुमा है, जिनके साथ में सैकड़ों लोगों ने सपोर्ट किया. इसे ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कमिटी के अध्यक्ष सम्मानीय नाना पटोले जी इस महाराष्ट्र के अंदर में 30 साल से लेकर 12 तारीख तक एक मुहिम चला है, जिसमें हर जगह में, हर गली में, हर गांव में यहाँ पर जनसंवाद यात्रा चल रहा है. जनसंवाद यात्रा का यही कहना है कि आने वाले 2024 में इस मोदी जैसा सरकार को, मोदी शाह सरकार को अपनाना है तो कहीं ना कहीं देश को जागरूक करना जरूरी है, लोगों के साथ संवाद करना जरूरी है. इसके लिए देश का भविष्य, बच्चों के भविष्य, रोजगार की समस्या, यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था सही खराब होते जा रहा है.